गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह सुबह 6:30 हो रहे हैं अभी, आज सैटरडे है और बहुत ही अच्छी सुबह का आगाज़ हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज सो के उठ के ही, बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है हर तरफ से। अब लग रहा है कि थोड़ा सा सुकून मिलेगा, ये सब ठहर जाएगा जो भी ये चल रही थी तबाही। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं थोड़ी पढ़ाई सुबह सुबह, सारिष्ठ के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ऐसे, और सानिध्य की भी अपनी क्लासेस चल रही है, तो थोड़ी देर बच्चों को देख के भी खुश हो जाता है मन। और दूसरा खुश होता है मेरा मन इन प्लांट्स के साथ, आपको पता ही है मुझे टाइम नहीं मिलता, मन तो करता बहुत सारे फ्लावर्स लगाऊँ चारों तरफ, लेकिन बिज़ी होती हूँ तो ये भी लगा कर भी इनकी मैं केयर नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये थोड़े बालकनी में जो रखे हैं प्लांट्स, इनको मैं थोड़ा ज़्यादा ही केयर कर ही लेती हूँ, इनकी थोड़ा देख लेती हूँ, लेकिन जो मेरे एंट्रेंस पे लगे हुए हैं वो मुझे ज़्यादा याद नहीं रहते। मतलब वो सेकंड, वो ग्राउंड फ्लोर पे लगे हुए हैं वहाँ पे एंट्रेंस पे, और फिर आते जाते याद आते हैं कुछ, मैं ज़्यादा अंदर ही बिज़ी रहती हूँ तो वो प्लांट्स थोड़ा उनका केयर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा। तो देखती हूँ थोड़े दिन में उनको भी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे प्लांट्स तो बहुत साल पहले के भी लगे हुए हैं, कुछ नए भी हैं, जैसे कि ये वाले प्लांट्स भी काफ़ी पहले के हैं, सोच रही हूँ उनको फिर से मैं। और ब्रेकफास्ट में बन रही है बैंगन की सब्ज़ी, तो मैं यही लेके जाऊँगी। और साथ में काट रही हूँ अपना सैलड, तो ये लंच की तैयारी हो रही है, लंच पैक कर रही हूँ अपना। और सुबह भी मैं योगा करके फ्री हो गई हूँ तो मुझे इच्छा हुई कि अदरक वाली चाय, थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा है आज सुबह, थोड़ा गले में भी दर्द हो रही है, तो ये अदरक और काली मिर्च की थोड़ा सा टी पीने का मन हो रहा है। वैसे तो ग्रीन टी इसमें डालूँगी, लेकिन पहले मैं और काली मिर्च को अच्छे से बना लूँगी काढ़ा टाइप। और ये मेरा बन गया है, मैंने इसमें ग्रीन टी डाल दी है, उनको तो शायद नहीं लेना, मैं शायद ले रही हूँ, और उनके लिए मैंने थोड़ा सा शक्कर ऐड कर दिया उसमें, तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग भी होती है। वैसे कई बार मेरा मन होता है मैं सिर्फ जिंजर वाटर ही लेती हूँ और थोड़ा सा शहद मिला लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा असर करता है। और मैं आजकल आपको पता है व्हीट अवॉइड कर रही हूँ, तो ये मिलेट रोटी मेरी लंच में जाएगी, तो जो अदरक मेरा चाय से बच गया था वो अदरक मैंने अपनी रोटी के लिए, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा ही बॉयल किया था, और साथ में इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन, तो ये वाली रोटी मैं लेके जाऊँगी अपने लंच के लिए, बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा ड्राई होती है ये, थोड़ा सा इसमें आप अगर कसूरी मेथी या ऐसी कुछ चीज़ें डाल लो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैं हो गई हूँ रेडी, बिना काजल के सोया सोया लग रहा है, लेकिन अभी भी मेरी आँख थोड़ी सी ठीक नहीं हुई है, तो मेडिसिन डाली है, अभी कोई केमिकल मैं इसमें नहीं डालूँगी, तो 9:40 पे मैं निकल जाऊँगी, तो चलते हैं, 9:40 हो गए हैं, चलते हैं स्कूल। बड़े दिनों के बाद स्कूल जाना भी अच्छा लग रहा है आज। और ये है हमारी शालवी रिवर, जो हमें हर वक्त मैसेज देती है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी स्थिति हो, आपको आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है कभी भी। आ गए हैं हम स्कूल से, आज काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बच्चे भी काफ़ी कम आए थे, लेकिन क्लासेस हुई फिर भी। देखो चुटकू प्लांट मैंने ऊपर लगा दिया, वहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है, अभी ये दिन में खिलते हैं और धूप छुपते छुपते ये भी छुप जाते हैं, तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, थैंक गॉड, अब कोई ज़्यादा डिज़ास्टर ना हो। ये सब जो हुआ, इतनी सारी बिल्डिंग्स गिर गई, इतना कुछ हुआ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब ये सब शांत हो जाए, अब ना हो कुछ भी, क्योंकि अब हिमाचल तो बुरी तरह से तबाह हो गया है, अभी बहुत टाइम लगेगा खड़ा होने में, बहुत दुख होता है, पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारे प्यारे हिमाचल को। मेरा फेवरेट प्लांट है ये, इतने सुंदर फूल इसमें लगते हैं और बहुत ही प्यारा। जिंजर लेमन टी है और साथ में मैं ले रही हूँ अखरोट, तो ये मेरा स्नैक्स रहेगा आज का इवनिंग स्नैक। तो ये हो रहा है मेरा डिनर, अभी देख सकते हैं वहाँ 6 बजने वाले हैं, ये 6 पूरे पूरे बज गए हैं, और अब मेरा हो गया है डिनर भी फिनिश।
मुझे पहले याद ही नहीं रहा आपके साथ शेयर करना है, तो मैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ, तब याद आया। तो मैंने लिया था अपने डिनर में ये चना पनीर चाट, ठीक है, पनीर थोड़ा थोड़ा सा घर पे बन रहा है आज पनीर, तो फिर मैंने ऐसे ही ले लिया, बल्कि थोड़ा सा ये फ्राइड है तो हैवी होगा, लेकिन साथ में जो मैं ले रही हूँ अनियन है और चना ही, ये बॉयल्ड है। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही एक नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय। तो फ्रेंड्स, करते हैं व्लॉग का एंड। बहुत ही अच्छा दिन रहा, अच्छा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि बहुत कुछ मैं शेयर कर पाऊँ, लेकिन मैं एक पॉजिटिव, मैंने आज एक बात महसूस की कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सुबह ही एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपना दिन की शुरुआत करें, तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और आज मैं बहुत ही अच्छा फील करी थी, हर जगह ग्रैटिट्यूड का एक फीलिंग थी मेरे मन में। सुबह उठी तो मैं भगवान को धन्यवाद करी थी एक खूबसूरत दिन के लिए, ईश्वर हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं स्कूल गई तो सरस्वती माता की मूर्ति वहाँ पे लगी, वैसे तो रोज़ ही मैं वहाँ पे माथा टेकती हूँ, लेकिन आज मैं जो मेरे में आज फीलिंग थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद फिर से रीओपन होना स्कूल का, और फिर तबीयत भी ख़राब थी तो वो भी ठीक हो गई थी, तो वहाँ पे जाके भी कि माता रानी आज इतना अच्छा दिन दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस लायक हैं कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं रोज़ रोज़, तो हर चीज़ को हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। और इस तरह से दिन बहुत ही प्यारा गुजरा, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हो या देखते हो। वैसे तो कोशिश करूँगी अच्छा कंटेंट लाने का आगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी कल एक प्यारे से व्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।